हमारा फर्ज है कि हम इस संविधान की रक्षा करें, और दूसरा रक्षा यह है कि यह संविधान हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा करता है, बराबरी की ताकत देता है हमारे देश के अंदर पिछड़े वर्गों को, हमारे दलित वर्गों को, जो उत्पीड़ित वर्ग हैं उन लोगों को, उस बराबरी को वो लोग दूर करना चाहते हैं। 100 दिनों में संविधान पे चर्चा कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर उसको पेश किया, तो आरएसएस के लोगों ने संविधान को जलाया था, इस संविधान की खिलाफत की थी, क्योंकि उनके हिसाब से ये संविधान इस देश के अंदर लागू नहीं होना चाहिए। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है ये समानता देता है, महिलाओं को खासतौर पर अधिकार देता है, शोषितों को, वंचितों को, जो सदियों से जिनके ऊपर उत्पीड़न होता रहा उनके ऊपर ये जो अत्याचार होता रहा उससे लड़ने का हमें कानून देता है। कि किस प्रकार से 100 दिन में पूरे देश भर के अंदर संविधान रक्षक अभियान को ये पूरे देश के अंदर लागू करेंगे, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि इससे पहले हमारे एससी कांग्रेस एससी सेल, जिसको राजेश लोथिया जी राष्ट्रीय स्तर पे जिसको लीड करते हैं, हेड करते हैं, उसने पूरे देश भर के अंदर 3 लाख संविधान रक्षक अभी तक के ऑलरेडी बना दिए। और मुझे बड़ी खुशी है, इधर यहाँ पर एक फोटो मेरी भी है, संविधान रक्षक जब ये मुझे बनाने आए और मैं संविधान रक्षक का सर्टिफिकेट मुझे दिया, तो इस प्रकार से खड़गे जी भी यहाँ हैं, देवेंद्र यादव जी जो हमारे पीसीसी अध्यक्ष हैं ये भी संविधान रक्षक अभी बने हैं। इस प्रकार से पूरे देश भर में 3 लाख संविधान रक्षक बने, और अब आगे की कड़ी के अंदर 100 दिनों में दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जाने का कार्यक्रम है, और हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के संविधान रक्षक बनाने का कार्यक्रम हमारे शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट, जिसको राजेश लोथिया जी हेड करते हैं कांग्रेस शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट, वो यहाँ पर करेगा, और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी साथ में मिलकर के जो सहयोग करेगी। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में जाएं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आज के विषय के अंदर, खास तौर के ऊपर ये देखते हुए कि हमारे जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, अगर हम देखें जिनको हमारे साथ आज़ादी मिली, हर जगह उथल पुथल है सिवाय हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर। तो फर्क क्या है, बुनियादी फर्क, मुख्य फर्क हमारा संविधान, और हमारा संविधान हमारे देश को दुनिया के उन तमाम देशों से अलग करता है जहाँ पर लोकतंत्र जिंदा नहीं है, जहाँ पर लोगों की आवाज़ दबाई जाती है। केवल और केवल ये संविधान एक फर्क डालता है हमारे देश को दूसरे देशों से जहाँ पर लोकतंत्र नहीं, और इस वजह से जब भी कभी भी हमारे लोकतंत्र पे हमला करना होता है उन ताकतों को जो हमारे देश के अंदर पिछड़े वर्गों को, दलित वर्गों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, वो हमारे संविधान पे हमला करते हैं। और हम लोगों ने ये देखा है कि 2 चुनाव लगातार जीतने के बाद में, इस चुनाव से पहले किस प्रकार से भाजपा के नेता लगातार बयानबाजी करते थे कि हम ये चुनाव जीत करके संविधान में बदलाव करेंगे। संविधान में बदलाव करने से 2 मकसद उनके पूरे होते थे, लोकतंत्र के ऊपर, लोकतंत्र की नींव पर हमला वो कर रहे थे, और साथ में जो संविधान ताकत देता है, बराबरी की ताकत देता है हमारे देश के अंदर पिछड़े वर्गों को, हमारे दलित वर्गों को, जो उत्पीड़ित वर्ग हैं उन लोगों को, उस बराबरी को वो लोग दूर करना चाहते थे। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इसके लॉन्च का हिस्सा यहाँ पर मैं बनाऊँ, और ये संविधान जो भारत का संविधान है, मैं समझता हूँ कि ये हम सब लोगों के लिए एक ऐसा मंत्र है जिसकी रक्षा हम सब लोग अपनी जान को भी आगे रख करके करेंगे। राहुल गांधी जी जब इस संविधान को दिखा करके चुनाव के अंदर गए तो उसका 2 मकसद थे,
और दोनों रक्षा से मतलब है, और इसी वजह से इन्होंने संविधान रक्षक अभियान शुरुआत करी। एक तो राहुल गांधी जी कहते थे कि हम इस संविधान की रक्षा करें, हमारा फर्ज है कि हम इस संविधान की रक्षा करें, और दूसरा रक्षा यह है कि यह संविधान हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो दोनों रक्षा, एक तो हम इस संविधान की रक्षा करेंगे और दूसरा यह संविधान हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा करता है, दोनों को बचाने के लिए राहुल गांधी जी इस संविधान को लेकर के हर मीटिंग के अंदर जाते थे और हर जगह के ऊपर इस संविधान को आगे रख करके अपनी बात कहते थे। और इसी वजह से आज मुझे खुशी है कि हम लोग सब लोग मिलकर के इस संविधान रक्षक अभियान की इस मूवमेंट का हिस्सा, जिसको दिल्ली के अंदर लॉन्च करा जा रहा है, उसका हम लोग आज यहाँ पर हिस्सा बनने के लिए आए हैं। मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा हमारे निलोथिया जी को और देवेंद्र यादव जी को, दोनों को, दोनों ने इस संविधान रक्षक अभियान को, इस मूवमेंट को दिल्ली के अंदर सब जगह के ऊपर लेकर के जाने का फैसला किया है। राहुल गांधी जी की सोच है, कांग्रेस पार्टी की सोच है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज देश में जो माहौल है, उस माहौल में बहुत ज़रूरी है कि संविधान रक्षक के रूप में हम सब अपने आप को एनरोल करें। पिछले कुछ समय से भाई राजेश जी लगातार इसमें प्रयासरत हैं और मुझे बताया गया है कि लगभग 3 लाख इसमें हमारे संविधान रक्षक एनरोल हो चुके हैं। बहुत कम समय हुआ है और इतना बड़ा नंबर, मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में दर्शाता है कि संविधान रक्षक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से जो देश में माहौल हुआ है, जिस तरीके से संविधान को लगातार अटैक किया गया है, और बहुत महत्वपूर्ण है कि ये संविधान जो हम सबको इक्वालिटी का दर्जा देता है, जो संविधान हमारे इस देश का आधार है, आज उसको कमज़ोर करने की लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस संविधान की रक्षा में अपना थोड़ा ज़्यादा योगदान, जितना भी हम दे सकते हैं वो हमें देना चाहिए। मुझे खुशी है कि दिल्ली में भाई राजेश जी ने, जो एससी डिपार्टमेंट के हमारे अध्यक्ष भी हैं और जिनका ये इनिशिएटिव है, उन्होंने इसको दिल्ली में भी लॉन्च करने का फैसला किया है। मैं चाहूँगा कि हम सब ना सिर्फ हमारे 70 की 70 विधानसभाओं में, बल्कि 250 के 250 ब्लॉक में इसको हम लागू करने का काम करेंगे, और जहाँ पर भी इनइक्वालिटी, जहाँ पर भी अत्याचार, जहाँ पर भी हमारे संविधान को दबाने की कोशिश की जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है हमारे संविधान रक्षक बढ़ चढ़ कर सामने आएंगे और इस आधारभूत जो हमारा आधार है इस आज़ादी का, उसकी रक्षा में हम सब अपने आप को तत्पर रखेंगे। मैं शुभकामनाएं देता हूं भाई अजय जी, भाई राजेश जी को, और ये कहना चाहता हूं कि आज जिन लोगों को इस संविधान की रक्षा के लिए लोगों ने चुना है, आज वो लोग जब भक्षक बन जाते हैं इसी संविधान के, तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए संविधान रक्षक के रूप में एनरोल करें। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम सब जो संविधान में बिलीव करते हैं वो संविधान रक्षक के रूप में इसमें एनरोल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय कांग्रेस, जय। आज से लेकर 26 नवंबर तक ये जिस तरीके से देवेंद्र यादव जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अजय माकन जी को विश्वास दिलाता हूँ कि एससी डिपार्टमेंट इन जॉइंट एफर्ट्स विद द पीसीसी 285 के 85 वार्ड्स के अंदर संविधान रक्षक बनाने जाएगा, जो हमारा एक बेसिक आइडिया है। हम इसके पूरे देश में गाँव के स्तर के ऊपर संविधान रक्षक विलेज कमिटीज बनाने जा रहे हैं, और पूरे देश के अंदर अभी मैं महाराष्ट्र में इसको लॉन्च कर आया, हरियाणा में किया, झारखंड में किया, अब दिल्ली में आज अजय माकन जी की
लीडरशिप के अंदर हमने आज इसको लॉन्च किया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हर गांव से दो आइडेंटिफाई हम लोगों ने किए, एक महिला और एक पुरुष संविधान रक्षक, जिनको हम लोग मास्टर ट्रेनर बनाएंगे और गांव के स्तर के ऊपर इन 100 दिनों में संविधान पे चर्चा कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। उसी तरीके से अब ये काम दिल्ली में भी हम लोग करने जा रहे हैं, संविधान पे चर्चा ये हम हर वार्ड के अंदर करेंगे और जो लाइक माइंडेड लोग होंगे जो संविधान के बारे में चर्चा करने चाहेंगे उनको चिन्हित करके उनको भी हम संविधान रक्षक बनाएंगे। तो और उसका जो समापन है, कल्मिनेशन ऑफ दिस कैंपेन, जो जिसका बेस सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल है, इसका समापन हम लोग 26 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में करेंगे। और उसमें क्योंकि दिल्ली के अंदर होगा और दिल्ली से शुरुआत हम इसको कर रहे हैं, तो उसमें मैं अजय माकन जी से, PCC प्रेसिडेंट साहब से और पूरे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जो पूरे देश से आएंगे उनके साथ में मिलकर इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। इसके पीछे एक और कारण ये भी है कि एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को 75 ईयर्स इस 26 नवंबर को होंगे, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जो भी आपने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देखा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब इस संविधान को बनाने के लिए गए, तो वो संविधान जब बना रहे थे और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर उसको पेश किया, तो RSS के लोगों ने इस संविधान को जलाया था, इस संविधान की खिलाफत की थी, क्योंकि उनके हिसाब से ये संविधान इस देश के अंदर लागू नहीं होना चाहिए था। और आज भी ठीक कहा अजय माकन जी ने और देवेंद्र यादव जी ने, आज भी वो ताकतें इस देश के अंदर सरकार में है जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जैसे अजय माकन जी ने कहा कि जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करते हैं, क्यों करते हैं, इनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी 400 का आंकड़ा पार इसलिए चाहिए था क्योंकि इस देश से वो आरक्षण खत्म करना चाहते थे, इस देश से वो संविधान को बदलना चाहते थे। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है ये समानता देता है, महिलाओं को खासतौर पर अधिकार देता है, शोषितों को, वंचितों को, जो सदियों से जिनके ऊपर उत्पीड़न होता रहा उनके ऊपर ये जो अत्याचार होता रहा उससे लड़ने का हमें कानून देता है। तो मैं बहुत लंबी बात ना कहता हुआ सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज इसकी शुरुआत हुई है और मैं सभी साथियों से PCC प्रेसिडेंट के साथ में मिलकर हम लोग इसको दिल्ली के अंदर कामयाब बनाएंगे। 70 की 70 विधानसभा के अंदर इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे और 26 नवंबर को इसका समापन करेंगे। आप सब लोगों का, प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और हम लोगों को यहाँ पर इसके ऊपर बात किए। एक और मैं कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी से हमने प्रेरणा ली। राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरी लाइफ का मिशन है संविधान की रक्षा करनी, तो उससे हम लोगों ने प्रेरणा ली और आज पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव सेट हुआ। वो नैरेटिव ये था कि एक तरफ वो विचारधारा के लोग थे जो संविधान को खत्म करना चाहते थे और एक तरफ कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ये कह रही थी कि इस देश के अंदर संविधान को बचाना है, संविधान की रक्षा करनी है और ये देश संविधान से चले। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।